अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ सम अप फ्रॉम यंजूस। अच्छा तो यार, ये पंजाब कॉलेज ने स्टेप जो उनका वो ऑर्गेनाइजेशन है, एंट्री टेस्ट जो पीपीए करवाती है, ठीक है, उन्होंने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। और 19 मार्च 2023 को ये टेस्ट होगा, और ई कैट वाले, एम कैट वाले, ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप गेन इंशाल्लाह कर सकते हैं। अच्छा तो ये उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इधर बताया हुआ है, ठीक है, तो ये कोई इतना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। तो बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है के टॉप 3,000 स्कोर्स होंगे ना इस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब वो टोटली फ्री पढ़ेंगे, आई थिंक 10 रुपये फ़ीस होती है, फिर यहाँ कितना होता है ना। उसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट, ठीक है, और हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेज फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन कैन अपीयर इन द स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट, ठीक है, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, चाहे पंजाब कॉलेज के हैं या चाहे दूसरे पंजाब कॉलेज के हैं, ठीक, मतलब कि किसी और कॉलेज के हैं, किसी भी कॉलेज के, ठीक हो गया। और इसकी जो स्कॉलरशिप पॉलिसी है उसमें 100% टॉप 3,000 के लिए, 15% फॉर नॉन पंजाबियाँ नॉन हदफ कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन क्वालिफाइंग द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, और 25% स्कॉलरशिप फॉर नॉन पंजाबियंस। और जो 25% स्कॉलरशिप होगी वो नॉन पंजाबियन नॉन हदफ, अगेन वही बात उन्होंने जो ऊपर की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि स्कोरिंग 80% एंड अबव मार्क्स इन द सेल्फ असेसमेंट, तो 25% उनके लिए रायत होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और करीब भी पंजाब कॉलेज या हदफ कॉलेज कैंपस में जाके फ्री इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सिलेबस में ही आपके सामने बायो होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम है इसमें, और ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें रिप्रोडक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट है। उसके बाद फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और नीचे उन्होंने टॉपिक्स उनके दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री में कोर्स कंटेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमरिज्म है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, और आगे उन्हें जो टॉपिक्स दिए हैं वो आपने करने हैं। और उसके बाद है अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1 SN2 E1 एंड E2 रिएक्शन। और उसके बाद अल्कोहल फिनोल्स का, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर रिएक्टिविटी फिनोल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉमेनक्लेचर, और एसिडिटी रिएक्टिविटी है। अच्छा उसके बाद इसमें इंग्लिश का और लॉजिकल रीजनिंग का, तो इंग्लिश की बात करें वर्ब टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, आर्गुमेंट, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ड्स फर्स्ट ईयर, और ये क्या ईडियम्स है सेकंड ईयर, वोकैबुलरी इंटरमीडिएट लेवल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग एरर्स, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, शॉर्ट पैसेजेस है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल डिडक्शन, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन, काज एंड इफेक्ट, और ऑनलाइन लिंक से इसमें उन्हें बताया कि जो सोर्स है आपने वो वहाँ से करने जो PMC की साइट के ऊपर होंगे। उसके बाद इसमें पैटर्न की बात करें तो बायोलॉजी के 35, केमिस्ट्री के 25, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 10, और लॉजिकल रीजनिंग के 5 MCQs होंगे, ठीक हो गया। 100 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट यानी, और 100 मार्क्स का ये टोटल होगा, ठीक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट MDCAT से रिलेटेड था। तो बाकी आप इनकी साइट के ऊपर जाके अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर सकते हैं, ECAT वाले भी वहाँ जाके देख लें तो क्या लिखिएगा अपना। ECAT की अगर बात करें तो ECAT में उसमें फिज़िक्स 30, मैथमेटिक्स 30, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर 30 है ऐसा कुछ है, और इंग्लिश के 10 है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स में 400 है, 1 घंटा 40 मिनट ही है इधर। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह रहमत करे आप लोगों पर भी, हम सब पे, आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह की अमान में, अल्लाह हाफिज़।